biggest South Asian media group, Y Media. वाई मीडिया ग्रुप वालों थोड़े सारे का रेडियो वाई और चैनल वाई से बहुत बहुत स्वागत है बतौर ग्रुप पेटर वाई मीडिया मैं युधीर जसवाल थोड़ी खिदमत हाजिर है अज्ज इस प्रोग्राम दे विच करंट न्यूज़ और उहदे उत्ते एनालिसिस लैके कांग्रेस पार्टी वालों लगातार ईवीएम नूं टारगेट किया जा रहा है हुण ईवीएम मशीनस क्या सही है या नहीं इस मामले के उत्ते असीं कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह जी के नाल हाल ही दे विच वाई मीडिया च एक्सकलूसिव इंटरव्यू किया सी उत्थे भी असीं पुछिया सी और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह जी ने उत्थे भी सानू यह कहा सीगा कि असीं बिल्कुल ईवीएम ते सवाल खड़े कर रहे हैं वीवीपैट मशीन की भी गल कर रहे हैं लेकिन क्या ईवीएम जी धांधली हो सकती है ये बारे उन्होंने कन्फर्म नहीं किया मैं जो फिर दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी जे तुसीं ईवीएम ते सवाल खड़े कर रहे हो तो तुसीं अदालत का दरवाज़ा खटखटाओ तुहाडे कोल काफ़ी सारे वकील है उन्होंने कहा जी बिल्कुल असीं अदालत का दरवाज़ा खटखटावांगे नाल असीं भी गल कर रहे हैं कि 2018 दे विच सुप्रीम कोर्ट दे विच तां वैसे बहुत बारे मामला गया वख-वख अदालतां च लेकिन 2018 च सुप्रीम कोर्ट ने भी दोबारा वापस जिहड़े बैलेट पेपर लैण दी उहदी पटीशन डिसमिस कर दित्ती सी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई आधार ही नहीं इस गल दा कोई आधार नहीं है अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जे ईवीएम मशीनस खराब सीगियां ते ये तो ईवीएम मशीनस दा इस्तेमाल तो पिछली सेंचुरी तो इंडिया च हो रहा इस सेंचुरी थोड़ी हो रहा आ 24 साल थोड़ी पिछली सेंचुरी तो पिछली सदी तो 1977 की गल हुई फिर आया फिर हटिया फिर कुछ स्टेट्स होया 90s च फिर नैशनल लैवल दे उत्ते चार लोकसभा दी इलैक्शन इन्हां ईवीएम मशीनस दे नाल हो चुकी हैं चार इस तो अलावा घट्टो घट सवा सौ टू बी प्रसाइज 122 सवा सौ जिहड़ियां स्टेट इलैक्शन ने वो इन्हां ईवीएम मशीनस दे नाल होईयां क्या सारिया सवा सौ बीजेपी ने जितियां ने क्या सारिया चार लोकसभा दियां इन्हां दे नाल ईवीएम मशीनस जिहड़ियां बीजेपी ने जितियां एक होर बड़ा अहम सवाल है कि फिर अदालत दे विच कांग्रेस क्यों नहीं जा रही मैं खुद इन्हां नूं गल कीती सी उन्होंने कहा बिल्कुल असीं अदालत जावांगे इंग्लैंड दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी ये सारा कुछ गलत है बड़े वड्डे लैवल ते प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेकिन उत्थे भी जब वो ईवीएम मशीन ते सवाल खड़े करन गए तो उन्होंने ब्रैगजिट की भी गल छेड़ दी बट पत्रकार बैठे से उन्होंने पत्रकारों ने कह दिता कि तुसी ब्रैगजिट की गल कर रहे हो थानू ये भी नहीं पता कि ब्रैगजिट जिहड़ा ईवीएम मशीन नाल होया ये पेपर बैलेट सके तुसी इत्थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करन आए हो ईवीएम मशीन ते और थानू इस गल का भी पता नहीं है वो एक तरह का मजाक का पात्र बन गया सुप्रीम कोर्ट के भी ये चीज़ रिजैक्ट हो चुकी है सब तो अहम गल जी हैगी है कि कांग्रेस पार्टी नूं यह जरूर सोचना पएगा कि जे बीजेपी जी है वह 282 सीटा लेंदी है बीजेपी 303 सीटा लेंदी है लेकिन वैन वॉज द लास्ट टाइम जे बीजेपी 282 280 250 तो ज़्यादा अंकड़ा पार करती है कद आखिरी बार सगा कि कांग्रेस ने 250 का अंकड़ा पार किया इस सेंचुरी तो कदे नहीं किया और 2014 दे विच ईडी कांग्रेस कोल सी सीबीआई कांग्रेस कोल सी मीडिया कांग्रेस कोल सी इलैक्शन कमीशन उन्होंने अंडर सगा तो फिर इन सारे हालातों के सिर्फ 44 सीट्स रह गई 44 सीटा कांग्रेस को रह गई सारा कुछ यही ईवीएम मशीन से सारा कुछ है और कांग्रेस पार्टी नू इस गल के उत्ते भी मेन सवाल खड़े करने पैने जिहड़ी 44 सीटा भी ने या अज भी तुसीं कहने हो असीं 50 दा अंकड़ा बड़ी मुश्किल नाल पार कर लिया ये सीटा आदियां कित्थों ने तुसीं इस बारी की गिणती कर लो तुहाडे कोल 15 केरला दे विच हैगियां ने 8 सीटा पंजाब दियां ते 8 तमिलनाडु दियां तुहाडियां 31 सीटा इत्थों ने बाकी तुहाडियां 15-20 सीटा इधरों उधरों आउंदियां ने हुण ते उत्तर प्रदेश दे विच भी अमेठी तो राहुल गांधी साहब हार जांदे ने जाके वायनाड तों लड़ना पैंदा सो 2014 दे विच सब कुछ जदों कांग्रेस कोल सीगा इह सोचना पएगा कि फिर भी तुहाडियां 14 सीटां क्यों रह गईआं क्या 2014 तुहाडे कोल ईवीएम नहीं सीगा फिर एक सवाल उन्हां नूं खुद इह करना पएगा गुजरात जिहड़ा कांग्रेस दा गढ़ सीगा गुजरात तुसीं देखो कांग्रेस दा गढ़ सी लेकिन लगातार नरेंद्र मोदी आउंदे ने और उत्थे आके जद्दे चीफ मिनिस्टर बनते हैं दोबारा गुजरात के विच कदे भी बीजेपी नहीं हारती और 2014 दे विच ते सारा कुछ तुहाडे कोल सीगा फिर भी गुजरात दीआं 26 दी 26 सीटा क्लीन स्वीप 12 स्टेट्स दे मैं नाम गणाना है 12 स्टेट्स गुजरात छड़ दो जी राजस्थान छड़ दो तुहाडा खाता नहीं खुलिया उत्थे 2014 दे विच तुहाडा खाता नहीं खुलिया तुहाडा नंबर की सी कांग्रेस का 0 जिल्च खाता नहीं खोल सकती सो कांग्रेस को इन चीज़ों वाल देखना पएगा कि की असी करिए कांग्रेस जी उस तरफ कदम बढ़ाएगी कि असी कि काम करने पैणगे तो दोबारा रिवाइव हो सकती है कांग्रेस पार्टी दोबारा नैशनल लैवल पर आ सकती है और बहुत सारिया स्टेट इलैक्शन हिमाचल के फसवीं टक्कर की गल हो रही थी फसवीं टक्कर और कह रहा जी ऑपरेशन लोटस हो जाएगा और बीजेपी आ जाएगी लेकिन हिमाचल थोड़ी बड़ी शानदार सरकार बनी और बड़ी वधिया चल रही है ठीक है सुखू साहब बड़े वधिया चलाई जा रहे हैं तुसी आ जाओ कर्नाटका वाल कर्नाटका फिर गल हो रही थी फसवीं टक्कर की कोई फसवीं टक्कर नहीं हुई कांग्रेस बड़े आराम नाल जित गई तेलंगाना दे विच क्लोज फाइट देंगे किसी भी कांग्रेस के बंदे ने नहीं सी किया एक बंदा लिया के दिखा दो जिन्हें क्या हो कांग्रेस की सरकार आ रही है तेलंगाना दे विच कंफर्टेबल सरकार आ गई
तेलंगाना दी कांग्रेस की। तुम देखो ना हिमाचल जे तुम रीसेंट टाइम देखो छे तो बड़ी स्टेट च इलेक्शन हुई छे रीसेंट टाइम्स हिमाचल कांग्रेस के खाते लग गया कर्नाटका कांग्रेस के खाते लग गया तेलंगाना कांग्रेस के खाते तीन स्टेट इन्होंने जितिया बीजेपी ने राजस्थान ठीक है मध्य प्रदेश तो छत्तीसगढ़। और अज मैं एक होर बड़ी इंपोर्टेंट गल करदा जे आ ईवीएम मशीना ने मैं तुहानू ऐसियां 200 सीटां मैं पिछली बार भी पिछले शो च भी दावा किया 200 सीटां तुहानू मैं दिखा दिना है बीजेपी कदे भी नहीं जीती 543 200 सीटां बीजेपी कदे भी नहीं जीती। सो जे असी ईवीएम मशीन की गल कर रहे हैं 122 स्टेट इलेक्शन इन्हां ईवीएम मशीन ना हो चुकी है और कांग्रेस के टेन्योर च भी होया कांग्रेस ने कदे ये उस वेले हटा देंगे कांग्रेस को सारा कुछ सिर्फ एक दिन का काम सीगा एक दिन का काम 2004 तो लैके 2014 तक 10 साल सरकार रही है एक दिन का काम सीगा। देखो जे न्यूक्लियर डील करनी सी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लैफ्ट फ्रंट साथ छड़ गया सोनिया गांधी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह नूं कहा सरकार गिर रही है भाई साहब रुक जाओ ना करो न्यूक्लियर डील। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हालांकि कहा जाता है जी सोनिया गांधी जी बड़े इन्फ्लुएंस रहे ने उन्होंने कहा ना जी यूएस ना डील हुई है वो डील अगे जाएगी लैफ्ट फ्रंट जाता है जाए सरकार गिरती है वो अलग गल है। सो इनू बड़ी स्ट्रोंगली वो एक दिन लैके आते वो कहते जी ईवीएम मशीन गलत ने असं उन्होंने साइड कर देंगे इन ईवीएम मशीन के नाल आम आदमी पार्टी 10 साल नैशनल पार्टी का स्टेटस लै गई यही भी सारिया ईवीएम मशीन ने लैके गई है इन ईवीएम मशीन के सिर के उत्ते आम आदमी पार्टी 10 साल नैशनल पार्टी का स्टेटस लै गई है। तुम अरुण जेटली साहब तो हूँ इस दुनिया च नहीं रहे उन्होंने इंटरव्यू देख लेना और बीजेपी के अंदर की गल भी है क्लीयर है कि तुम्हें सब तो ज़्यादा कितों खतरा वो कहते जी केजरीवाल तो उन्होंने बिकॉज 2014 की इलेक्शन के असी आ मीडिया अखबार की फ्रंट पेज से खबर लगाई सी कि सब तो ज़्यादा कवरेज मोदी साहब को मिली है राहुल गांधी जी तो भी कवरेज मीडिया ने केजरीवाल साहब को दी है 400 सीटों पर इलेक्शन लड़ी थी जितियां चाहे उन्होंने चार बट कवरेज मिल रही है राइज कर रहे हैं 10 साल नैशनल पार्टी का स्टेटस मिल गया। तो यह सारा कुछ इन्हां ईवीएम मशीन से होया हाँ जे इन्हां ईवीएम मशीन से फिर भी लग रहा है कि कोई दिक्कत है तो बिल्कुल अदालत मैं बार बार कह रहा मैं इतने कांग्रेस के किन्ने सीनियर लीडर्स गल कर चुका है सैम पटरोड़ा साहब का मैं इंटरव्यू किया मनी शंकर अय्यर साहब का मैं इंटरव्यू किया दिग्विजय सिंह जी का हमने करके हटिया इंटरव्यू मैं जो इलेक्शन खत्म हो दिग्विजय सिंह जी ने मैं कहा मैं कहा जी तुम ईवीएम लै जाओ उ अदालत लै जाओ कहते लेके जाएंगे उन्होंने क्या लेके जाएंगे मैं लैके नहीं जा रहे थोड़े को वकीलों की लंबी लाइन है कांग्रेस पार्टी को जिन्ने लॉयर्स ने बीजेपी को तो 50% लॉयर्स नहीं है थोड़े तो सारे बंदे लॉयर ने तुम पी चिदम्बरम साहब तो शुरू कर लो तो लाइन नहीं खत्म होती थोड़े को इन्ने लॉयर ने तो जाओ जाके उत्थे उन्होंने करो कि भाई साहब ईवीएम मशीन गलत ने असल दे विच कांग्रेस पार्टी के उत्ते जिहड़े सवाल ने वो डिफरेंट ने वो मैं अगे चल के करा और जे कांग्रेस उन्होंने वाल सुधार अज कर लेंदी है तो फिर इलेक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है बहुत वधिया हो सकती है और जे नहीं करते तो फिर दिक्कत हो सकती है। द बिगेस्ट साउथ एशियन मीडिया ग्रुप वाई मीडिया।